साल पहले कोई बीमारी थी? हाँ, दौरे की बीमारी है, दौरे की अब भी है। यहाँ पर भीज कर ही सोना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि ये खाना बांटने के लिए आता है, वो सबसे बड़ा इज्जत वही बचाता है, मैं उसी को दुआ करेंगे जो खाना गरीब लोग के खाना मिल जाता है। नहीं तो यहाँ बोरिया बिस्तर लपेट के अपना घर चला जाना होगा, समझे ना। हम लोग लपेट के भी चले जाते घर, लेकिन वो सब खिला देता, हम लोग खा लेते, लाइन में लग के खा लेते, वही हमको जान बचाता है ज़्यादा। 3 महीना 4 महीना से इसी एम्स में बउआ रहे, अभी तक ले काम सुधारा नहीं है। अभी परेशानी तो बहुत है, कभी उधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, इतना ही दूर में गुच्ची पिलो करिए, कोई सुविधा नहीं इसमें। बस एक बार जो फंस गया, इसके बाद कभी नहीं दोबारा फंसेगा। भलाई प्राइवेट से जो लगे, 10,000 लगे, 5,000 लगे, लोग तो यही समझ के आते कि पैसा नहीं लगेगा, यहाँ गरीब का सुधार हो जाता है। भलाई मतलब कि हम लोग तो लाए थे 2,000 रुपया लाए थे, खा पी के ही बराबर कर दिए। 3 महीने हो गए सर यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले डॉक्टर साहब से मिला था, वहाँ से जब रेफ़र किया यहाँ डॉक्टर ने, तो यहाँ पे आके मिला, बच्चे के आँख में ब्लड कैंसर, ब्लड ट्यूमर बताया, फिर कहा ब्लड कैंसर है। फिर यहाँ पे सारी जाँचें लिखते रहे बाहर के लिए, बाहर जाँचें करवाते 2-3 महीने हो गए। और 3 बोतल पहले ब्लड जमा करवाया, उसके बाद में बोले कि और 3 बोतल ब्लड जमा करिए, नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। तब 3 बोतल और ब्लड जमा किया, पहले 3 किया फिर 3 और किया, फिर जाके कहा कि कल भर्ती कर लेंगे, फिर 3-4 दिन के बाद में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में 6-10 दिन के लिए भर्ती किया था, 7 दिन भर्ती करके ही बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। बच्चे की तबीयत सीरियस है सर, कुछ खा पी नहीं रहा है, और आँख में ट्यूमर जैसा आँख बाहर पड़ी है। अभी दवा के लिए गए थे तो कहा 2 बजे आइएगा, 2 बजे इसकी पट्टी वगैरह होगी। बताओ, सवेरे से लाइन में लगा हूँ, भूखा प्यासा, अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, कहाँ तक सर किया जाए। यहाँ सुबह जाकर के वहाँ बैठा रहता हूँ, लाइन में लगा रहता हूँ, और शाम को 4-5 बजे आ जाता हूँ निकल के बाहर, यहीं रोड पर पड़ा रहता हूँ, यहाँ मांग मांग के खाना खाता हूँ। यहाँ रोड पे बांटने वाले आ जाते हैं, वही खाना दे देते हैं, भाई हम लोग खा लेते हैं। पैसा आए नहीं सर इतना पास में, जो होटलों से खाएं किसी दिन नहीं मिलता है, तो भूखे ही सो जाते हैं। आपका नाम क्या है? राजदोसा। और आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। कैंसर। कैंसर। आप मुजफ्फरपुर से यहाँ पे कितने टाइम पहले आए थे? 2 महीना पहले। सोने के तो यही पत्थर पर सोते हैं, खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, सेठ लोग आते हैं खाना बांटने। परेशानी सर ये है कि हम तबीयत ख़राब है, वाइफ को पत्थर का शिकायत है, वो दिखाने के लिए आए हैं, 8 साल से दिखा रहे हैं, अभी तक तो हमको CT स्कैन उड़ा के जाँच अभी मिला है, अब रिपोर्ट अभी आने के बाद फिर डॉक्टर साहब से दिखाना पड़ेगा। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, ना सोने की व्यवस्था है। 5 बजे के बाद कोई गार्ड लोग, जितना मेन गार्ड है वो मार मार के भगाने लगते हैं, बोलो बाहर निकलो, 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकेगा यहाँ पर। हॉस्पिटल के अंदर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, मेन सिक्योरिटी वाले हैं वो आते हैं डंडा लगाने के लिए, यही परेशानी है। वाशरूम में खाना नहीं खाए तो फिर मर जाएंगे यहीं पर। मेडिसिन वगैरह है तो महंगे वाले दवाई सब मिलते नहीं हैं, तो पैसे से जब मंगाते हैं गांव से तो फिर वो दवा लेते हैं बाहर से, नहीं तो महंगे दवाई तो बिल्कुल नहीं मिलता है, सस्ते से दवाई मिल जाते हैं।